नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घर में गिरगिट का दिखना कैसा माना जाता है। यदि आपको घर में गिरगिट दिखता है तो इसका क्या अर्थ होता है, ये आपके लिए अच्छा संकेत होता है या फिर बुरा। तो आइए दोस्तों जानते हैं घर में गिरगिट का दिखना कैसा होता है। यदि आपको गिरगिट दिखता है आपके घर में या कहीं और, तो ये आपके लिए शुभ होता है या फिर अशुभ। दोस्तों, घर में गिरगिट का देखना अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी माना जाता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से गिरगिट को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस तरह गिरगिट का देखना अच्छा माना जाता है और किस तरह बुरा माना जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को घर में सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन गिरगिट दिखता है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है, आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन वहीं पर यदि आप गिरगिट को रंग बदलते हुए देखते हैं, आपकी आंखों के सामने गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क रहें। वहीं पर यदि आप देखते हैं कि गिरगिट मर जाता है आपके घर में या फिर मरा हुआ देखते हैं गिरगिट को, यह अच्छा नहीं माना जाता है। घर में गिरगिट का मरना या फिर उसे मारना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। यदि आप गिरगिट को मार देते हैं या फिर मरा हुआ दिखाई देता है आपको, इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने वाली है, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और आपके काम बने हुए बिगड़ने लगते हैं, आपके रुके हुए कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए गिरगिट को कभी भी मारे नहीं। और यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे होते हैं और आपको रास्ते में गिरगिट दिख जाता है तो ये भी बुरा नहीं बल्कि अच्छा संकेत माना जाता है। कार्य में सफलता हासिल होने का इशारा होता है, यानी कि आपका काम जल्द ही बनने वाला है जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।